हेलो एवरीवन, वेलकम टू 19 टू। आज मैं आपको हेड इंजरी के बारे में बताऊंगी। हेड इंजरी में क्या होता है, अचानक से मतलब कोई हमारा ट्रोमा हो जाए, किसी अचानक से किसी एक्सीडेंट की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में इंजरी हो जाने की वजह से क्या होता है, थंबस फॉर्मेशन होने लग जाता है, क्लॉट जैसा बन जाता है ब्रेन में, तो हम उसको बोलते हैं हेड इंजरी। मतलब ब्रेन में, हेड में, स्कल में किसी तरह की इंजरी हो जाना, उसको हम हेड इंजरी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, स्लिप होने की वजह से हो सकता है, अचानक से फॉल हो जाना, मतलब किसी का ऊंचाई से नीचे गिर जाना, ठीक है, स्लिप हो जाने की वजह से, बाइकल स्लिप हो जाने की वजह से हो सकता है, कार एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, उसको हेड इंजरी हो सकती है। अब इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं उसमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे, जैसे पेशेंट को हेड इंजरी होगा, पेशेंट के ब्रेन में क्लॉट भी बन सकता है, किसी तरह का कोई इन्फार्क्ट भी हो सकता है ब्रेन में, और सेरेब्रल पैल्सी भी हो सकता है इसको, और हेडेक हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है पेशेंट को। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पेशेंट में देखने को मिलेंगे। थैंक यू।